हेलो सम्मानित मीडिया पत्रकार भाइयों, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। हम उनको नमन करते हैं और युवा दिवस पर समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर आधारित कैलेंडर साथी दीपक कबीर और उनकी टीम ने तैयार किया है। मैं दीपक कबीर जी से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और दो माननीय नेताजी के संघर्षों पर कैलेंडर उनकी टीम ने बनाया है उसको विमोचन कराने की प्रक्रिया निभा। साथी कबीर जी से अनुरोध है कि वो अपनी बात है। साथियों, आज विवेकानंद जयंती है और राष्ट्रीय युवा दिवस है और आप सब तमाम नौजवान पत्रकार हैं और सबसे बड़े नौजवान उदय प्रताप जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। 92 वर्ष की उम्र में भी इस ठंडक में हमारे बीच में साथ हैं, तो मैं इस मंच के बिहाव पे आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, बहुत संक्षेप में कुछ चीजें बस कहना चाहते हैं कि पिछले वर्ष तक हम सबके बीच में मुलायम सिंह यादव जी मौजूद थे और हम उन नौजवानों में हैं जो शायद जब अपने टीन एज में थे तो जो माहौल देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा दुष्प्रचार या बदनामी उनके हिस्से में आ रही थी। हम जिस कम्युनिटी में थे उसमें महसूस करते थे। धीरे धीरे जब बड़े हुए, जब यूनिवर्सिटी में गए और बाकी दुनिया की तमाम चीजों को पढ़ा और जाना तो लगा कि नहीं, ये तो बहुत खोखली बातें थी। दुनिया के अंदर कई नैरेटिव्स होते हैं और सत्ता के नैरेटिव और विपक्ष के नैरेटिव और अलग अलग वर्गों के नैरेटिव अलग अलग होते हैं। हम पिछली अभी नवंबर में जब उनका जन्मदिन था तो हमें किसी आयोजन में बुलाया गया और एक बड़ा सा मोमेंटो दिया गया उनके जन्मदिन पर, तो मुझे लगा कि वहां 3-4 हजार लोग थे और सिर्फ मोमेंटो देने के अलावा सिर्फ बातें हो रही थी, हंसी मजाक, पोएट्री और बहुत सारी चीजें। वो भोले लोग थे, अच्छे लोग थे, वो प्यार करते थे। लेकिन किसी इंसान से प्यार करना, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो विवेकानंद जी हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना उनके विचारों को, उनके ख्याल को, उनकी जिंदगी के आदर्शों को अमली जामा पहनाना। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, हमने पढ़ना शुरू किया मुलायम सिंह यादव जी पर भी और पूरे सोशलिज्म पर भी। और विवेकानंद जयंती, हमारे दोस्त बैठे हैं, 4 साल पहले अखिलेश जी और की पहल पर नौजवानों के साथ कुछ वर्कशॉप शुरू हुई थी, तो वह आज ही के दिन शुरू हुई थी एक खिचड़ी कार्यक्रम के साथ जोड़कर। तो आज विवेकानंद जयंती पर हम लोगों ने ये कैलेंडर तैयार किया जो अखिलेश जी ने की सहमति थी, परामर्श था उदय प्रताप जी का, और इसको आपके बीच में ला रहे हैं। इसके अंदर की दो छोटी सी बातें बस इतनी है कि भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, उनका मकसद था कि अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो देश है, ये जो समाज है, इसको भी पूरी तरह से बदल दिया जाए। तो समाजवाद
भी यही चाहता है कि सिर्फ सत्ता को हटाने या जीतने या हारने की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस पूरे मौजूदा व्यवस्था को किस तरीके से हम बदल सकते हैं, लोगों को कैसे राहत पहुंचा सकते हैं। विवेकानंद का नाम बचपन का नरेंद्र था। नरेंद्र नाम बहुत अच्छा होता है। नरेंद्र का मतलब होता है राजा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, विवेकानंद ने, अपने नाम को छोड़ दिया, क्योंकि वो राजा तो नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने नाम को विवेकानंद में बदल दिया, विवेक की दुनिया में चले गए। जब हम लोग इस प्रस्ताव पर अखिलेश जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया था कि समाजवादी पार्टी विवेक की पार्टी है, एक रैशनल पार्टी है। विवेक नॉर्मल एजुकेशन से बहुत अलग चीज होती है, जो सही या गलत की समझ पैदा करती है। ये सिर्फ बौद्धिक होना नहीं है, ये सिर्फ किताबें एकेडमिक्स में आगे आ जाना नहीं है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना नहीं है। ये एक बुनियादी चीज होती है जो लोगों को मनुष्यता सिखाती है। नरेंद्र नाम छोड़कर विवेकानंद में बदल जाना, तो ऐसे में विवेकानंद जयंती पर समाजवादी पार्टी, जो विवेकशील लोगों की पार्टी है, या समाजवाद, जो विवेकवान लोगों की विचारधारा है, जिसका काम है, हम परफेक्ट नहीं है लेकिन लगातार विचारों से, पढ़ाई से, संघर्षों से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। 14 जनवरी को कैफी आजमी, जो बहुत मशहूर शायर थे, उनका जन्मदिन भी है, उनका भी जिक्र आया है कि किस तरीके से गरीबों, किसानों, मजदूरों की हिमायत करके ही हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ये कैलेंडर 12 पेज का है। हम लोग के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो काम चला रहे थे, एक ही पेज पे आगे पीछे हमने कोशिश करी है। इसमें काफी टाइम दिया अखिलेश जी ने। इसमें जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं समाजवाद के, हर महीने के समाजवाद के, या हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, या वो लोग जिन्होंने अपने साहित्य या कविता से बदलने की कोशिश करी, उनको याद करने के दिन हैं, उनकी रचनाएं हैं। मुलायम सिंह यादव जी को ये पूरा कैलेंडर समर्पित है, इसलिए मुलायम सिंह यादव जी के उन लोगों के बारे में क्या विचार है उसको दर्ज किया गया है। और जो उस जमाने के मशहूर नेता थे या बाकी तमाम समाज के प्रतिबद्ध लोग थे, वो मुलायम सिंह यादव जी के बारे में क्या सोच रहे थे वो दर्ज किया गया है। अखिलेश जी उस महीने के बारे में, उन दिनों के बारे में और उन लोगों के बारे में नेताजी को याद करते हुए क्या सोचते हैं, उन्होंने समय लगा के वो पूरा दर्ज किया है। हर पेज पर आपको मिलेगा। तो ये एक पूरा एक पैकेज है जो हम चाहते हैं कि इस देश के तमाम हिंदी बेल्ट के, और कोशिश करेंगे अगर ट्रांसलेट हो पाए, कि नौजवानों के में, बौद्धिकों में, शिक्षकों में, पत्रकारों में, के घरों में लगे, और वो हर दिन, हर महीना जब देखें तो उनके अंदर तमाम सवाल पैदा हो, उनके अंदर विवेक पैदा हो, वो हमें सही और गलत भी समझा सकें, आलोचना भी कर सकें, और एक बेहतर मिलजुल कर कैसे दुनिया बन सकती है, समाज बन सकता है, इस ओर बढ़ें। ये संस्कृति कर्मियों से संवाद की शुरुआत है, ये शिक्षकों, पत्रकारों, बौद्धिकों से संवाद की एक शुरुआत है। इस सिलसिले को सिर्फ कैलेंडर लॉन्च तक नहीं रखा जाएगा बल्कि आगे भी ले जाया जाएगा, और उम्मीद है कि मार्च में हम सब इसका मल्टीपल विस्तार देखेंगे इसी कैंपस में, गतिविधियां अगर अनुकूल रही सब कुछ तो। सिर्फ इसके पहले पेज पर कुछ लाइनें अखिलेश जी के कमेंट में लिखी हैं, मैं उनको दोहराते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। आने वाले दिन मौसमों के दिन हों, आने वाले दिन मौसमों के दिन हों, मुस्कुराने के दिन हों, जूझने के दिन के बाद जीतने के दिन हों, हमारे दिन हों। आप सबका इस्तकबाल। ये कैलेंडर आप सबके कार्यालयों में आप तक भी व्यक्तिगत रूप से पहुंचेगा, और मैं आपसे इस कैलेंडर के बिहाफ पे और इस तमाम तरह की गतिविधियों के बिहाफ पे वायदा करता हूं कि एक खुला संवाद जारी रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे मंच पे बुलाने का आप सबका आभार। मैं खास तौर पे इसका शुरुआत में पहले पेज पे एक झंडा गीत लिखा हुआ है। मैं गुरु जी अद्भुत कवि हैं और उससे भी बड़े इंसान हैं, और मेरा दुर्भाग्य, हम लोग आपस में अक्सर ये कहते हैं कि हम पहले क्यों नहीं मिले, हम चुनाव के दौरान ही मुलाकात हुई थी, और ये लगातार शतरंज में हमें हराते रहे इस उम्र में भी। तो मैं चाहूंगा कि गुरु जी ने, चूंकि परामर्श भी देते हैं, सही गलत की समझ भी देते हैं, तो वो अपनी बात रखें। धन्यवाद दीपक भाई।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी, आदरणीय चौधरी साहब और भाई दीपक कबीर जी, आज पहले तो विवेकानंद जी का जन्मदिन है, हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की जब पहली मुलाकात रोमा रोला से हुई, दोनों नोबेल प्राइज विनर थे, तो रोमा रोला ने कहा कि हम भारत के बारे में जानना चाहते हैं कुछ। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि सिर्फ विवेकानंद की जीवनी पढ़ लो और लिख देना उन पर कुछ, आप भारत के बारे में फिर सब कुछ जान जाएंगे, इसके बाद फिर जानने को कुछ बचेगा नहीं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। तो उसमें और बात आगे करूं उसे कि इसी तरह से इस कैलेंडर को पढ़ने के बाद एक बात जो स्पष्ट दीपक कबीर जी से हमारी बातचीत हुई कि समाजवाद केवल चुनावी पार्टी नहीं है। जब गांधी जी और भगत सिंह में चाहे कितना ही मतभेद हो हिंसा और अहिंसा पे, साधन और साध्य को लेकर, लेकिन एक बात में दोनों लोग एक मत थे कि हम आजादी के लिए आजादी नहीं चाहते, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आजादी चाहते हैं। हम इस समाज की जो संरचना है, जो ऊंच नीच है और वर्गी जो लंबवत है, उसको क्षैतिज करना चाहते हैं। इसी को लोहिया जी यूं कहा करते थे कि हम खड़ी लकीर को पड़ी लकीर में बदलना चाहते हैं। तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन था, इसी ये उद्देश्य था आजादी का। हम आज जब देखते हैं तो हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम केवल सत्ता में आ जाएं। सत्ता में तो इसलिए आना चाहते हैं कभी कि जब अगर हम कहते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। हमने कविताएं बहुत सी लिखी, लेकिन उन कविताओं का हम उनको पूरा कब कर पाए, जब हम खुद एमपी हुए तब। तो जब सत्ता में आदमी होता है तो कुछ कर लेता है। मैं जैसे हमने गांव के उत्थान पर बहुत सा लिखा, लेकिन बाद में जब हमको मौका मिला तो हमने करके दिखाया। ये हमेशा से होता है। साहित्य और राजनीति का बड़ा गहरा संबंध है। जो साहित्य सपना देखता है, राजनीति उसे पूरा करती है। तो समाजवादी पार्टी सपना देखती भी है और पूरा भी करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि इस कैलेंडर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी सोच क्या था, आदरणीय नेताजी का क्या सोच था, किस तरह से उन्होंने इस परिस्थितियों के बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कितना संघर्ष किया, जेल गए, क्या क्या नहीं किया। विवेकानंद जी के बारे में नेहरू जी ने एक वाक्य कहा है कि विवेकानंद जी पुरातन और नवीन भारत के बीच के पुल थे। उन्होंने लिखा कि वो ही वॉज ए ब्रिज बिटवीन एंशियंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। नवीनता और पुरातनता के बीच में एक वो पुल का काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो इतना कह दिया है उनके बारे में, उन्होंने कहा कि अगर वो जिंदा होते तो मैं सारा काम छोड़ के उनके साथ रहता, क्योंकि मेरी भी परिस्थिति ये थी कि मैं इस देश की स्थिति बदलना चाहता हूं। जो समाजवादियों का सपना था वो विवेकानंद जी का भी सपना था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब गए हैं वो, और उन्होंने कहा कि हम भारत यात्रा पर निकलना चाहते हैं, हमें कुछ उपदेश दीजिए कि क्या मंत्र दीजिए, तो उन्होंने एक मंत्र दिया कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ईश्वर मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, इसके अलावा ईश्वर की सेवा कुछ नहीं है। तो इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी को राजाओं ने रथ में बैठा के खींचा, जब शिकागो की वहां से लौट के आए हैं, तो राजा अजीत सिंह खेतड़ी के उनके बड़े दोस्त थे, और उनके कहने से तमाम राजाओं ने एक रथ में उनको बैठाला, और रथ पर बैठा के राजाओं ने घोड़ों की जगह खुद खींचा, यानी हिंदुस्तान के नेटिव प्रिंसेस उस रथ को खींच रहे थे और उसमें विवेकानंद जी बैठे हुए थे और रो रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि इतने सम्मान पर रो रहे हैं। बोले इस सम्मान का हम क्या करेंगे, हम जो सपना देखना चाहते थे, जो हम इस देश के अंदर परिवर्तन करना चाहते। इन किताबें रोमा रोला ने लिखी है, एक लाइट ऑफ एशिया बुद्ध के ऊपर, एक गांधी जी के ऊपर, एक विवेकानंद जी के ऊपर, और तीनों को कहा है थ्री टीचर्स ऑफ इंडिया। इनमें टीचर तो एक भी नहीं था। वहां टीचर्स का मतलब है कि ये जो समाज को परिवर्तन करने के लिए, समाज को दिशा देने वाले लोग थे, तो उनमें से विवेकानंद जी एक थे। हम उस पर तो बहुत दिन बोल सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि समय कम है, तो मैं इसलिए आपकी तरफ से, अपनी तरफ से,
हम विवेकानंद जी को सबको श्रद्धांजलि देते हैं उनको, और एक बात कहना चाहते हैं कि उनका जो सपना था वो भी वही सपना था जिस सपने नेताजी का था, जिसका ये कैलेंडर, कि इसमें व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। गांधी जी का भी सपना था। गांधी जी, मैं ये एक बात कहना चाहता हूं आज स्पष्ट, कि गांधी जी हमारे आदर्श थे, इसलिए थे कि जो समाजवादी लोग थे वो कांग्रेस के अंदर एक सेल बना के रहते थे। गांधी जी की जब निधन हो गया, उनके जब उनको उनका बंद कर दिया गया, हत्या कर दी गई, तो उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी अलग हुई और उन्होंने पार्टी 48 में बनाई। तो हमारा सपना है इस देश परिवर्तन करना, ये प्रथम हमारा सपना है। ईश्वर उस सपने को पूरा करे और हम सब लोगों के उसमें संघर्ष हो और आप सबका सहयोग हो, पूरे देश का सहयोग हो, यही मेरी कामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार फिर विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देता हूं और नेताजी की स्मृति को नमन करता हूं। मैं सबसे पहले, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पूरा देश मना रहा है, स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी और दीपक कवि जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आज के दिन जहां आपने एक अच्छा काम करके नेताजी के काम, समाजवादी आंदोलन, नेताजी का संघर्ष, और आज ही के दिन आपने तय किया कि जहां विवेकानंद जयंती है वहीं नेताजी के नाम से भी आपने एक कैलेंडर निकालने का काम किया है। इस कैलेंडर में हर महीने में कहीं न कहीं समाजवादी लोगों के और समाजवादी चिंतन दिखाई दे रहा है। जहां से शुरुआत हुई है, धरती पुत्र और नेताजी का नाम है, वहां सबसे पहले हमारी पार्टी का झंडा गीत जो आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने लिखा था वो दिखाई दे रहा है। और आज जयंती के दिन हम ये भी संकल्प लें कि जो रास्ता दिखाया था स्वामी विवेकानंद जी ने, उस रास्ते पे चल करके ही समाज और देश का भला हो सकता है। नकारात्मक राजनीति खत्म हो, समाज में जो भेदभाव है कभी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको दूर कर करके और साथ ही साथ अंधविश्वास कैसे खत्म हो, और जो हमारे समाज की बुराइयां हैं वो कैसे खत्म हो, उस दिशा में लगातार हम लोग आगे बढ़ते रहें, तभी हमारा समाज और देश आगे तरक्की खुशहाली पे जाएगा। एक बार फिर मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के प्रयासों से, उनके लगातार समाजवादी पार्टी को जो अपनी कलम से लिख करके हमें देते हैं उसके लिए बधाई देता हूं। कबीर जो बैठे हैं, जिन्होंने संकलन कर करके इसमें तस्वीर और एक कैलेंडर का रूप दिया है, उनको बधाई। ये बहुत ही समाजवादी आंदोलन और जो लोग समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा काम है। मैंने पढ़ा नहीं। अभी और कुछ मत पूछिए। देखिए, गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और समय समय पर अखबारों पर पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें यही दिखाई देता है कि अभी तक के जो प्रयास हुए उससे मां गंगा साफ नहीं हुई है। जब तक उसकी सहायक नदियां, जुड़ने वाले नाले, उनकी गंदगी नहीं खत्म होगी तब तक मां गंगा साफ नहीं होगी। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। समाजवादियों का भी प्रयास था
कि गोमती को एक उदाहरण की तरह समाज के सामने और देश के सामने रखा जाए और यही अगर और नदियों के लिए योजना और कार्यक्रम बनेंगे तो नदियां शहरों के अंदर साफ बहेंगी। हमारे जितने भी शहर बसे हैं वो नदियों के किनारे बस गए और जब बसे थे तब नाले और कोई सीवेज का ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं था, जिसके कारण सीधा सीधा जो कुछ है शहर का गंदा पानी गंदगी सब नदियों में जा रही है। तो ये प्रयास समाजवादी सरकार में हुआ था, वही रास्ता है नदियों को साफ करने का। यहां की सुंदरता खत्म कर करके दूसरी सुंदरता दिखाई जा रही है। आखिरकार सरकार को यह बताना चाहिए कि यहां की आखिरकार सुंदरता क्यों खत्म कर दी। इसी तरह नाव यहां पर चलनी थी, कुछ पहले नाव खरीद ली गई थी और भी जिसको टूरिस्टों को सुविधा देने के लिए या लोगों को घूमने के लिए यह नाव खरीद गई थी, वो सब कूड़ा करकट हो चुकी हैं, वो शायद डस्टबिन में फेंक दी गई हैं या यहां से लेकर के कहीं और ले गए हैं वो लोग। मुझे बताया गया जब मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीद ली है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। तो जो यहां की अच्छी चीजें थी वो सब खत्म कर दी सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? ये आपके लिए मुद्दा हो सकता है, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। वहां लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहां के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया गया? मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर जिले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो। जो वहां के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो? हमारे यहां जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। इसलिए मैं एक बार फिर, क्योंकि और जाने क्या क्या पूछोगे, अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है वहीं सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पहले एमओयू हुए थे उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने एमओयू जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए एमओयू जमीन पर कैसे उतरेंगे और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप? ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा? आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है? और पहले जो घोषणा पत्र में लिखा था करोड़ों रोजगार नौकरी, उसका क्या हुआ? इसलिए आप भी कंफ्यूज मत होइए, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छी चमक दमक दिखाइए, जमीन पे कुछ नहीं उतरेगा। मुझे ये बताओ, अगर आप JP NIC पे पूछ रहे हैं तो आखिरकार उस पर जांच कितनी हो चुकी है?
नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे तो अभी तक जानकारी है कि 3 बार जांच हो चुकी है। हो सकता है सरकार ना काम करने के लिए एक और जांच कर दे। उसका विरोध किया जाएगा, अभी उसके बारे में और परीक्षा कर लेंगे कि किस तरीके से सरकार ला रही हो। अभी बुलाया और मैं जाऊंगा। राहुल गांधी का समापन होने जा रहा है, उसके अभी इनवाइट आया है तो मैं अभी पार्टी से डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस पर फैसला लूंगा। अरे तुम्हें गोरखपुर महोत्सव में जाना चाहिए, इधर उधर की बातें कर रहे हो। कोई तो जाए बैठे कुर्सी में, क्या सरकारी पैसा ऐसे ही बहा दोगे? अरे बैठ के भैया, बैठ के, बैठ जा भाई। अब कोर्ट में हमें कोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, न्यायालय पे भरोसा है हमें। अब इस तरह के अगर आंकड़े आ रहे हैं तो न जाने कितने लोगों को और मिल रहा होगा और जिलों में। मुझे जानकारी नहीं उनकी, अब वो अपना एक पत्रकार साथी हेडक्वार्टर गया तो था, देखा नहीं एडीजी से क्या हुआ हो गया था अभी। इसलिए तैयार रहिए आप भी, हम लोग तो हैं तैयार। आपको इस बात की क्यों चिंता है? नहीं, अगर अगर आप बीजेपी की गुप्त मीटिंगों की हमें बता दो तो हम आपको संगठन बता देंगे। नहीं, आप हमें गुप्त बैठकें जो हो रही हैं उनकी बात बताइए ना। नहीं, आपको इससे क्या लेना देना? आप बहुत जल्दी बन जाएगा, शुभ दिनों बनेगा। आज शुभ दिन है क्या? अच्छा, शुभ दिन आने दो भाई, आप ही कहते हो कि शुभ दिन में काम किया करो। अच्छा, आप ही ने कहा कि शुभ दिन में ही काम करना। आप में से कुछ साथी हमसे मिले, उन्होंने कहा कि अगली बार शुभ दिनों में ही काम करना, तो अब उसी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो अलग अलग जगह से पूछोगे तो अलग अलग तरीका बताते हैं। तो जिनसे हमने पूछा उन्होंने एक तारीख बताई है, उस दिन आपका पूरा संगठन तैयार मिलेगा, उस दिन से बनने लगेगा। मैंने सुना नहीं, मैं यूएस टॉप 10 सुन रहा हूं आजकल। गलती दोनों तरफ से थी, तो हमने अपनी टीम बदल दी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो पुलिस को आगे कर रही है, जब उनके पास जवाब खत्म हो जाता है तो पुलिस को आगे कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल भाषा का नहीं है। आज तक जितने भी हमने तहरीर दी हैं, अगर किसी तहरीर पे कार्रवाई हो तो बताएं, एफआईआर दर्ज हुई हो तो बताएं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उनकी भाषा क्या है? इसीलिए मैंने हिंदी दिवस के दिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके लोगों को अपनी भाषा ठीक तरीके से लिखना चाहिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये रणनीति है उनकी, ये कोई वो नहीं है, रणनीति है उनकी, क्या किसको आगे करना है, किसकी जात से लाभ उठवाना है, जवाब किस जाति के व्यक्ति से दिलवाना है, तो ये उनका जाति के आधार पे सोच है। आप नहीं समझते इन बातों को, हम लोग समझते हैं इन बातों को, और समझते आप भी हो। ये हमारा पत्रकार साथी क्यों सवाल पूछ रहा है, जिस नेता का कोई नाम ही नहीं बचा, कुछ है ही नहीं। अब जो भी हो,
गाना के साथ साथ एक और बगल में नाम था। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या चाहती है सरकार। ये पिछड़ों को बांटना चाहती, जात के आधार पर काम करती है, इनके पास जवाब नहीं है। इसलिए बहुत जल्दी आप पार्टी का कार्यक्रम भी देखोगे और जो आपने कहा संगठन वो भी तैयार मिलेगा। इसलिए मैं एक बार फिर दीपक कवी जी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने प्रयास कर करके एक बहुत ही अच्छा कैलेंडर तैयार किया है जिसमें बहुत सारी समाजवादी आंदोलन की जानकारी है, नेताजी की तस्वीरें हैं, नेताजी के बारे में गाना, पार्टी का गाना, उनके बारे में संघर्ष और जितना कुछ इसमें साहित्य का लिखा गया है, समाजवादी आंदोलन के बारे में लिखा गया है। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का दिन जब आपने तय किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये 2 साल पहले प्रशिक्षण शिविर हुआ था उसी में। Thank you.